आपका बताएं। अरे ये सब गलत है, 10 से 15 कौन ले लेगा अंत्योदय पर। सबको मालूम है 35 किलो मिलता है, किलो खाड़ तो कम हो जाता है, अलग की बात। सर एक मामला संज्ञान में आया है कि कौड़ा गांव में जो है कोटेदार अंत्योदय योजना के अंतर्गत बांटे जाने वाले राशन में जो है धांधली कर रहे हैं। 35 किलो की जगह जो है 10-10 या 15-15 किलो राशन ही वितरित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मृत घोषित हैं उनकी उनके नाम पर भी राशन बांटा जा रहा है, तो इस संबंध में क्या आपका कहना है और क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? देखिए अभी मामला संज्ञान में आया है तो दो स्तर पर जांच करवानी है। एक तो पहले हम ये देख लें कि ये जो सूची हमारी प्रचलित है ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये कितनी ठीक है, अपडेटेड है या नहीं है, और बाकी उसके जो वितरण रजिस्टर हैं पिछले वाले, उनसे भी इस बात का सत्यापन करवा लेंगे कि इस कार्ड धारक को कितना दे रहा है। गलती मिलती है तो बहुत संगीन है, ये सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कट्टर अगले महीने से ये बिल्कुल सुधार हो जाएगा। अच्छा, ये क्या योजना है और कैसे इससे लाभान्वित किया जा रहा है लोगों को? देखिए अंत्योदय योजना तो पहले से ही एज इट इज चला रहा है, NFSA में ये शामिल हो गया है। कुल मिला के 35 किलो खाद्यान्न इसमें मिलता है, क्योंकि NFSA में जो दूसरी कैटेगरी है PHH की, उसमें यूनिट के आधार पे, अंत्योदय में अगर एक यूनिट हो या 8 यूनिट हो, आपको खाद्यान्न पूरे 35 किलो ही मिले। राशन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए तमाम रणनीतियां तैयार कर रही हो, मगर हरदोई में राशन की कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है। बता दें कि यहां पर अंत्योदय व पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत मिलने वाले राशन में बड़ा घोटाला उजागर होकर सामने आया है। जिन लाभार्थियों को 35 किलो राशन मिलना चाहिए, उन्हें महज 10 से 15 किलो राशन ही मिल रहा है। बाकी का राशन कहां जा रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं इस संबंध में जब संबंधित अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने भविष्य में कार्रवाई कर जांच किए जाने की बात कही। हरदोई से ETV के लिए आकाश शुक्ला।